प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव लड़ने के मूड नहीं होने वाले बयान पर गृह मंत्री रामदास साहू की प्रतिक्रिया चर्चा में है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि इस बार उनका मूड चुनाव लड़ने का नहीं है, जिस पर गृह मंत्री रामदास साहू ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर कोई कहे कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिंहदेव के चुनाव न लड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। रामदास साहू ने कहा कि किसी जगह से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक? मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर TS बाबा ने किस भावना से क्या सोच के उनने कहा ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियाँ हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, काफ़ी झंझावत झेलने वाली संस्था है, देश की आज़ादी को झेलने वाली ये संस्था है। अनेकों परिस्थितियां आई आज़ादी के बाद भी, वो कांग्रेस की संस्था है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।